प्रातः छात्रों, आज पढ़ेंगे वाच। तो वाच किसे कहते हैं, पहले हम ये जानेंगे। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। इनमें किसी के अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन आदि आए हैं। यानी क्रिया का विधान कर्ता के विषय में हो तो कर्तृवाच्य होता है, क्रिया का विधान कर्म के विषय में हो तो कर्मवाच्य होता है, तथा क्रिया का विधान भाव के विषय में हो तो भाववाच्य होता है। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। यानी सरल शब्दों में क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, जिसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, रमेश केला खाता है, तो इसमें कर्ता कौन है? रमेश। तो ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि हम जानते हैं जिसका कोई अर्थ हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब दिनेश पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो इसमें कर्ता दिनेश है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है दिनेश पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गया। क्योंकि हम जानते हैं जिसका कोई अर्थ न हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो रमेश केला खाता है सकर्मक क्रिया हुआ, और दिनेश पुस्तक नहीं पढ़ता है ये अकर्मक क्रिया हुआ। अब कर्मवाच्य किसे कहते हैं ये हम जाने। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। सरल शब्दों में क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो, जिसमें केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यानी कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक क्रिया ही होती है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, रोगी को दवा दी गई, यानी ये दोनों उदाहरण जो है सकर्मक क्रिया है। अब भाववाच्य के बारे में जानें। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाच्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य कहते हैं। यानी भाववाच्य में न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न कर्म की, इसमें सिर्फ क्रिया के भाव की प्रधानता होती है। तो उदाहरण के लिए ले लेते हैं, मोहन से टहला भी नहीं जाता, यानी ये भाववाच्य यानी मन से उत्पन्न होता है, मन के अंदर से उत्पन्न होता है ये, जो मोहन से टहला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, ये मेरे मन से उत्पन्न होता है, भाव से उत्पन्न होता है, इसलिए इसे हम भाववाच्य कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टू नो मोर अबाउट अस क्लिक www.saintxavierspublicschool.com। If you like our video, then share and subscribe, please. Tata all my friend. I see you again in next video. Bye-bye.